भैया बाहर नहीं जाइएगा, आप घर के बाहर जाइए नहीं तो हम अभी तुरंत फोर्स को बुलाते हैं कॉल करके। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं। कलियन नवरात्रि आने वाला है, इस बार का पूजा कैसे होगा, मूर्ति कैसे आएगा, कोई उपाय लगाया है, कुछ सोच के रखा है? अरे अलिया तुम निफिक्री रहो, मेरे पास एक जबरदस्त उपाय है, मतलब तोड़ू फोड़ उपाय है एक मेरे पास। क्या कलिया उपाय है? चलो ठीक है, कम से कम सोच के तो रखे हो, अब जल्दी से बताओ क्या सोच के रखे हो और क्या उपाय है, जल्दी से बताओ। चंदा मांगने का उपाय और क्या? अरे कलिया ये तो हर वर्ष होता है, हम लोग चंदा करते हैं, फिर उस चंदा से इकट्ठे पैसे का मूर्ति लाते हैं, पूजा करते हैं, ये तो हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष कुछ नया करो, पब्लिक को नया दिखाओ, एक ही चीज क्या दिखाओगे, कुछ नया करो। अलिया मूर्ति लाने का नया उपाय ही है, पहले हम लोग रोड पे खड़ा हो जाते थे और गाड़ी रुकवा रुकवा कर चंदा मांगते थे या फिर गाँव में चंदा करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, समझ रहा है न अलिया, इस वर्ष का चंदा एक ही कार्टून दे देगा, वो भी पूरा। क्या कलिया एक कार्टून दे देगा पूरा चंदा, वो भी नवरात्रि के पूजा का? तू झूठ बोल रहा है कलिया, कौन देगा 10 से 12 लाख रुपया? हमें तो नहीं लगता है कोई दे पाएगा, क्योंकि नवरात्रि का पूजा करने में 10 से 12 लाख रुपया का खर्च पड़ता है। अरे अलिया मेरे नजर में एक कार्टून है, वो दे देगा नवरात्रि के पूरा चंदा, उसके पास बहुत पैसा है। कलिया जरा हमें भी बताओ कौन है वो कार्टून जो पूरा नवरात्रि का चंदा दे देगा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, इतना हड़बड़ा कह रहे हो, गंजा नेता, समझ में आया, गंजा नेता के पास बहुत पैसा है, वो हमें दे देगा 12 लाख रुपया। कलिया पागल है क्या, पिछले वर्ष का याद है ना, चंदा मांगने गए थे तो 11 रुपया दिया था, और तुम कैसे बोल रहे है कि वो 10 से 12 लाख रुपया दे देगा, हमको तो नहीं लग रहा है वो पैसा दे देगा। अरे अलिया मुझे भी पता है, वो सीधा जाएगा मांगने तो वह चंदा नहीं देगा, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? चलो बताओ क्या प्लान है, काम करेगा या नहीं करेगा, चलो बताओ। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ प्लान, देखो गंजा नेता के घर हमें इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में जाना है, और उसके घर पर चेकिंग करेंगे और जितना पैसा निकलेगा सारा पैसा लेकर आ जाएंगे। आइडिया कैसा लगा, खतरनाक आइडिया है ना? कलिया आइडिया तो खतरनाक है, लेकिन देवी माता का पूजा करना है और उसके लिए हम लोग चंदा चोरी कर लाएंगे, ये तो चोरी हुआ ना। अरे अलिया क्या तो भी इमोशनल हो रहा है, वो जितना गंजा पैसा रखा है वो सब पैसा जनता का ही है, उसका पैसा एक भी नहीं है, जनता से ही पैसा लूट कर रखा है, चोरी वारी कुछ नहीं हुआ, उसका काला धन है वो, हमारा ही पैसा है, उसे ही चंदा में लगा रहे हैं, कोई दूसरा पैसा नहीं, समझ गया ना? बात सही कह रहा है कलिया, आखिर वो तो पैसा जनता का ही है, जनता का ही पैसा गंजा लूट कर रखा है, कभी मैंने उसे ईंटा ढोते नहीं देखा, तो उसके पास पैसा आया कहाँ से, वो पूरा जनता का ही पैसा लूट कर बैठा है। चलो चलो धावा बोलते हैं और सारा पैसा लेकर आते हैं और धूमधाम से नवरात्रि का पूजा करेंगे। अभी ना अपना लेवल में, चलो धावा बोलते हैं। कौन हो और मेरे घर पे क्यों आए हो? अरे हम ITO से हैं। क्या ITO? ये क्या होता है, मेरे घर से निकल जाओ, मैं गंजा नेता हूँ, नहीं तो मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। क्या पुलिस को बुलाओगे? पुलिस के भी हम बाप हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, हम ITO से हैं, समझ गया ना? अरे हमको कोई बताएगा ITO का हिंदी में मतलब क्या होता है, हमें भी हिंदी में बताओ तब ना पता लगेगा। हाँ सुनो, ITO का मतलब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, समझ में आया? क्या इनकम टैक्स ऑफिसर? क्या हुआ सर, क्या हुआ, मेरे घर पे क्यों आए हो सर, क्या हुआ? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में काला धन है, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। क्या सर काला धन? नहीं सर, नहीं नहीं, मेरे घर में काला धन नहीं है सर। अरे गंजा नेता जी, चोर थोड़े ना कहेगा कि हम चोरी किए हैं, उसे बुलवाना पड़ता है, इसलिए हमें आपसे अनुरोध है आप घर के बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा ठीक है आप अपने काम कीजिए, लेकिन मैं अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा। क्या बाहर नहीं जाइएगा, आप घर के बाहर जाइए नहीं तो हम अभी तुरंत फोर्स को बुलाते हैं कॉल करके। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं।
अरे साला मेरे घर में तो 50 लाख रुपया है, लगता है ये पूरा पैसा ले जाएंगे और मेरे को जेल में भी डलवा देंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हे भगवान मेरी रक्षा करना भगवान। अरे अलिया कोई आइडिया है, ये गंजा कहाँ पैसा रखा होगा, कोई आइडिया है तो बताओ, जल्दी से पैसा मिल जाएगा हमें। अरे कलिया ये गंजा बहुत कंजूस आदमी है, ये बढ़िया लॉकर तो ले नहीं सकता क्योंकि बढ़िया लॉकर लेने में बढ़िया पैसा भी खर्चा होता है और ये गंजा कंजूस है, उतना पैसा तो लॉकर पे खर्च नहीं करेगा। अलिया तू बात सही कह रहा है, चलो जल्दी से पैसा ढूंढो नहीं तो गंजा आ जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी से पैसा ढूंढते हैं, यहाँ से लेकर निकलते हैं। आखिर मिल ही गया, हम तो 10 से 12 लाख के चक्कर में थे लेकिन यहाँ पर 50 लाख रुपया मिल गया। अलिया 12 लाख रुपया ले जाएं कि पूरा के पूरा 50 लाख रुपया उठा ले, बताओ क्या करें? अलिया मेरी बात मानो तो पूरा पैसा ले लेते हैं क्योंकि पूजा करने में जितना खर्चा होगा से होगा और जितना बचेगा जो वहाँ पर अनाथ गरीब बेसहाय लोग आएंगे ना उनको दान में दे देंगे पैसा। बात सही कह रहा है अलिया, चलो पूरा पैसा ले लेते हैं। गंजा नेताजी धन्यवाद, आपने हमें अपना घर चेक करने का मौका दिया, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, सॉरी गंजा नेताजी, अब मैं चलता हूँ, आपके घर से कोई काला धन नहीं निकला। ओह यस, चलो मेरा सारा पैसा बच गया और मैं जेल जाने से भी बच गया। ओह यस। अरे मैं तो लूट गया, मेरा सारा पैसा इनकम टैक्स ऑफिसर वालों ने लेकर चला गया। चलो ठीक है पैसा तो कमा लेंगे लेकिन एक बार जेल चले जाते तो पब्लिसिटी खत्म हो जाता, कम से कम जेल तो नहीं ले गया। अलिया पैसा तो मिल गया, अब नवरात्रि का पूजा धूमधाम से होगा। अलिया नवरात्रि का तो पूजा होगा लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया, ये धूमधाम का मतलब क्या होता है? अरे अलिया क्या तुम भी, तुम्हें धूमधाम का मतलब नहीं पता है? अरे धूमधाम मतलब धूम धड़ाका, बम वम फूटेगा, एकदम मजा आएगा।